सो हेलो गाइस फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की एप्लीकेशन में। यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेके आए हैं वो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा, आप इतनी अच्छी फोटो एडिटिंग कर सकते हो, इतनी मस्त एडिटिंग करके आप अपने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पिक और स्टेटस पे फेसबुक पे कहीं भी लगा सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपके फ्रेंड्स यार दोस्त हैं जरूर आपके फोटो को लाइक करेंगे और कमेंट्स करके जरूर पूछेंगे ये कौन सी एप्लीकेशन से भाई तुमने ट्राई किया। और फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, खाली आपको फोटो डालना, और जैसे फोटो डालोगे तो फोटो निकल के अपने आप ही बन के तैयार होगा, अपने आप पे वापस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे झकास फोटो बनेगी जैसे मर्जी चाहो वैसे। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का नाम है ऑटो ब्लर। फ्रेंड्स अगर आपके फोन में सिंगल कैमरा भी है तो भी आप चाहते हो ब्लर बैकग्राउंड फोटो, तो यहाँ पे सिंपली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती है, इतना अच्छे से ये एप्लीकेशन वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक फोटो चूज करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने गैलरी चूज कर ली, तो यहाँ पे किसी भी एक फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इस टाइप से आप फोटो देख सकते हो, मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर ली खास मेरी फोटो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लर बोके इफेक्ट इफेक्ट्स कैसा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉप करना चाहते हो तो फोटो क्रॉप भी हो जाएगी, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे जो भी प्रोफाइल पिक लगाना उस टाइप से भी लगा सकते हो क्रॉप करके, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे आप ब्लर फोटो में दिखा देते हो। जैसे आप यहाँ पे ब्लर फोटो देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जितना ब्लर चाहते हो उतना ब्लर ही आपके फोन को फोटो कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी फोटो कितनी ब्लर हो गई, और मैं वापस इसको ऑफ करता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस टाइप से ऑफ करता है। यहाँ पे अगर आप कुछ चाहते हो कोई डिज़ाइन हटाना ये जो भी है रिमूव करना, तो इस टाइप से आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। फ्रेंड्स अब यहाँ पे चलते हैं बोके इफेक्ट पे। तो बोके इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारे अच्छे अच्छे बोके इफेक्ट हैं, इतने मज़ेदार हैं कि आप अपनी फ़ोटो में काफ़ी अच्छे से लगा सकते हो और अपनी फ़ोटो को और भी दमदार बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी फ़ोटो में मस्त लग रही है बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए, और बहुत ही ईजिली ये वर्क कर जाती है। आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से फ़ोटो चेंज हो जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे बोके इफेक्ट हो गया, अब आपको यहाँ पे इफेक्ट्स पे लेके चलता। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कई सारे इफेक्ट हैं, यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट भी है, ये थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे इस टाइप से भी आप देख सकते हो फोटो चेंज हो रही है। इस टाइप से आप फोटो चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे खाली आपकी फ़ोटो ही जो है कलरफुल है, बाकी सब बैकग्राउंड ग्रे कलर का हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो झकास झकास हैं। तो फिर इस टाइप से आप अपने फ़ोटो को यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड सारा ग्रे हो गया, और यहाँ पे खाली फ़ोटो फोटो अच्छी लग रही है। यहाँ पे अगर नॉर्मल करेंगे तो आप इस टाइप से नॉर्मल फोटो पे आ जाएंगे। आप चलते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको खाली एक क्लिक करना और बैकग्राउंड आपका चेंज, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया, बिल्कुल ईजिली फोटो में से बैकग्राउंड हट गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कई सारे बैकग्राउंड्स हैं, आप कोई सा भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो और फोटो को छोटी बड़ी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। और आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको अपने मनपसंद बैकग्राउंड में ऐड करना हो या किसी लड़की की साथ फोटो ऐड करनी हो, तो सिंपल यहाँ पे किसी लड़की की फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ साथ में, ठीक है। और यहाँ पे अपने फ़ोटो को लगा देते हैं इस टाइप से। तो अगर आपके पास भी अगर अच्छी फ़ोटो है तो यहाँ पर अच्छे से फ़ोटो को लगा कर एडजस्ट कर सकते और भी झकास बना सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कई सारी फ़ोटो हैं, तो मैं सिंगल कोई लड़की की फ़ोटो ले लेता हूँ और उसके साथ मैं यूज करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी फ़ोटो हैं, तो मैं एक छोटी सी फ़ोटो यूज़ कर लेता हूँ। तो इस टाइप से मैंने एक फ़ोटो ले ली है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी फ़ोटो एडजस्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी से फ़ोटो को लगा के और यहाँ पे सेव पे सेव पे बटन पे सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे शेयर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोटो को सेव करना चाहते हो राइट क्लिक कीजिए, आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो इस टाइप से आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी और आप अपने फ़ोन में लगा सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी दमदार फ़ोटो लगने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी देखने को लगती है। तो फिर इस टाइप से आप कोई सा भी फ़ोटो चेंज कर सकते हो एक ही क्लिक में। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको ये एप्लीकेशन फोटो एडिटिंग का? तो फ्रेंड्स इसका नाम है ऑटो ब्लर। आपको सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पे लिखना ऑटो ब्लर। आप जैसे ऑटो ब्लर लिखोगे तो फ्रेंड्स खास बात इसकी यह है कि ये फोटो इस एप्लीकेशन में ज़्यादा एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, और ना ही ज़्यादा एड्स देखने को मिलते हैं, ना ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है। सिंपली आपको अपने फ़ोटो में ऑटो ब्लर सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है इस टाइप से, तो ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो रेटिंग्स जो है काफ़ी अच्छी अच्छी रेटिंग है,
यहाँ वेब पेज तो 4.5 रेटिंग देगी, 1 मिलियन यूजर है, तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे से वर्क करते हैं। तो इस टाइप से आप कई सारी फोटो एडिटिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगी होगी और वीडियो भी बहुत मस्त लगी होगी, तो जरूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कोई नई वीडियो चाहते तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।